हेलो फ्रेंड्स, आई एम गीतांजलि शर्मा और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल में द पावर ऑफ टैरो बाय गीतांजलि शर्मा। सो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक और मेजर आगणक कार्ड और वो है द स्ट्रेंथ कार्ड। इससे पहले हमने द चैरियट कार्ड के बारे में डिस्कस किया था, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेंथ कार्ड। सो स्ट्रेंथ कार्ड की इमेज अगर हम देखें तो बहुत एक लवली इमेज है। इस इमेज का बहुत ही एक मैं ये कहूँ कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो है वो हम पर हमारी लाइफ में देखने को मिलता है। इसका जो रेजोनेट करता है ये जो पिक्चर हमारे लाइफ के साथ, लेट्स डिस्कस कि कैसे रेजोनेट करता है। अगर हम देखें दिस वाइट इमेज, यानी कि ये एंजल हो सकती है या वुमेन हो सकती है, शी इज़ वेयरिंग दिस वाइट रॉब। दिस वुमेन इज टेमिंग और कंट्रोलिंग दिस लाइन। What does this line indicate? This line is the, you know, the basic, अगर हम देखें the negative instincts in us, ये उस चीज़ को show करता है। Negative instincts कौन से होते हैं? जो wild instincts होते हैं किसी भी human being के अंदर, वो क्या क्या होते हैं? Like हम अगर हम बात करें, desires हो सकती हैं, passion हो सकता है, ego हो सकता है, jealousy, your anger, lust, और सेल्फिशनेस होना, ये सारे हमारे नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स होते हैं। सो इसके इस कार्ड के अंदर भी, जैसे हमने चैरियट में बात की थी कि हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, चैरियट में भी हमने एक्सपीरियंस किया कि हम लोगों को हमारे हार्ट एंड माइंड को कंट्रोल कर कैसे आगे बढ़ना है। उसी तरीके से द स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो शोज दैट सेम अप्रोच ऑफ कंट्रोलिंग, बट कंट्रोलिंग वॉट? कंट्रोलिंग योर नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स, ऑल दिस नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स, योर ईगो, योर पैशन, योर लस्ट, योर जो भी हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन बींग को आगे बढ़ने से रोकती है। हमारी अगर आप देखें समाज के अंदर भी हम लोगों की इन चीज़ों को, जो हमारे फियर्स होते हैं हमारे अंदर, जो हमारे ये सभी चीज़ें जो होती हैं, इनको कंट्रोल हम लोगों को करना होता है, तभी हम लोग समाज में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं, हम समाज में एक अच्छा स्पेस जो है वो अपना बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर हम आप ध्यान से देखें इस कार्ड के अंदर, दिस इमेज बहुत ही करेज के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, फेस टू फेस शी इज़ कंट्रोलिंग दिस बेसिक दिस लाइन। दैट मीन्स हम लोगों को शो करता है कि हम लोग भी अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो हम लोग उसे फेस टू फेस विद करेज हम उसको कंट्रोल करें। अब वो कंट्रोल कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम अपने लाइफ में नया बिजनेस शुरू करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, नया रिश्ता शुरू करते हैं, कुछ भी हम जिंदगी में जब भी आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सारे काम पूरे होते हैं, हम कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अपने किसी भी काम को करने के लिए फेस टू फेस होना पड़ेगा, अपने फियर को बाहर निकालना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। और जब ये वाला कार्ड आता है अपना, जब रीडिंग में आता है, तो इंडिकेट करता है कि हम लोगों के अंदर उस स्ट्रेंथ को हमें बाहर लेकर आना, ताकि हम अपने सारे काम को कर सकें, ताकि हम अपने पूरे काम को कंप्लीशन तक लेकर जा सकें। शायद कहीं ना कहीं हम लोग लाइफ में स्ट्रगल के साथ चल रहे हैं, हम लोगों को लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा कि हम आज थक गए, हम आज हम हार गए, लेकिन हम गिव अप नहीं कर सकते। ये कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि हम आज भी अपने उस नेगेटिव शेडोज़ को, जो भी हमारे अंदर की जो नेगेटिव छाया है, उसे हम कंट्रोल करें, वो सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर आगे बढ़ें, तो हम स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ आगे बढ़कर अपने कोई भी काम को कर सकते हैं। और व्यूअर्स, ये वाला कार्ड जब भी आता है तो ये कार्ड मुझे हमेशा याद कराता है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में माँ दुर्गा को। तो जब भी ये कार्ड आता है तो ज़रूर माँ दुर्गा का कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद हम कह सकते हैं कि अगर क्लाइंट कुछ भी ऐसा सवाल पूछता है तो उसमें हम वो आशीर्वाद जो है वो उसे हम दे सकते हैं। लियो का कार्ड है, अगर हम देखें सिंह राशि का कार्ड है, तो सिंह राशि के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो भी इस कार्ड में देखने को मिलते हैं। सो क्लाइंट, दिस इज़ अबाउट दिस कार्ड। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कार्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कार्ड नंबर 9 कार्ड का, जो 9th नंबर है हमारा टैरो डेक का। सो व्यूअर्स, अगर आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियोज़ बनाएँ वो आप तक पहुँच जाएँ। सो व्यूअर्स, हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़। टेक केयर।